हाय एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखने में तो रॉयल है ही, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं वर्मसली फ्रूट कस्टर्ड, बेसिकली जो फ्यूजन डिश है और कॉम्बिनेशन है मिल्क बेस्ड वर्मसली खीर का विद फ्रूट कस्टर्ड के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे सेवई की खीर। उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे सेवई, ये हाफ कप सेवई है, और मैंने लिया है 1/4 कप शुगर और लिया है 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर में मैं 2 से 3 बड़े चम्मच दूध ऐड करके उसका एक घोल तैयार कर लूँगी। मैंने कस्टर्ड का एक बिना गुठली का स्लरी रेडी कर लिया है। अब मैं एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करूँगी और उसमें सेवई को डालकर रोस्ट कर लूँगी। सेवई को हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। सेवई हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब एक हैवी बॉटम का पैन ले लिया मैंने और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 लीटर मिल्क। जब ये मिल्क बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी सेवई। मिल्क को हमें पैन पर लगने नहीं देना है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए बॉईल करेंगे। मिल्क अच्छे से बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी भुनी हुई सेवियाँ जो हमने अभी भून कर रखी थी। सेवियाँ ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के लिए हमें पका लेना है। जब सेवइयाँ अच्छे से गल जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी और उसके बाद हम इसमें मिला लेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल कर रेडी करके रखा था। सेवइयाँ अच्छे से कुक हो गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के घुलने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी कस्टर्ड की स्लरी जो हमने रेडी की थी। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 बॉईल आने तक हमें पका लेना है। कस्टर्ड अच्छे से मिल्क के साथ घुल गया है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं। अब मैं बनाए हुए कस्टर्ड को पोर कर लूँगी एक बाउल के अंदर और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में लगभग 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे सर्व करने वाली हूँ थोड़े से फ्रूट्स और नट्स के साथ। तो इसके लिए मैंने ले लिए थोड़े से हरे अंगूर, काले अंगूर, थोड़ा सा एप्पल और सब्जा सीड्स, जेली, किशमिश, बादाम, काजू। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून सब्जा सीड्स। मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और ये लगभग 5 से 10 सेकंड में ही फूल कर रेडी हो जाएंगे। सब्जा सीड्स किसी भी समर ड्रिंक में ऐड करने के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, इसीलिए इसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब बारी आती है हमारे कस्टर्ड को असेंबल करने की। उसके लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्जा सीड्स। उसके बाद मैं इसमें 1 लेयर वर्मसली खीर की डाल दूंगी, उसके बाद उस पर 1 लेयर फ्रूट्स की, और उसके बाद उसको कवर कर दूंगी वर्मसली कस्टर्ड के साथ। हमारा कस्टर्ड सर्विंग के लिए रेडी है, इसे मैं गार्निश कर लूँगी थोड़े से चॉप्ड फ्रूट्स और नट्स के साथ। अगर हम कस्टर्ड के कूलिंग टाइम को हटा दें तो ये जल्दी से तैयार होने वाला बहुत ही टेस्टी सा डेजर्ट है, जिसे आप कभी भी फैमिली गेट टुगेदर या फ्रेंड्स मीटअप के लिए कभी भी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।